मैं आपको कुंडली के अनुसार भी बता देता हूँ कि भाग्य स्थान में शनि का होना क्या होता है। ये आप कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका शनि बैठा है। जब शनि भाग्य स्थान, इसको ऋषियों ने भाग्य स्थान कहा है, यदि यहाँ पर होता है तो इसको हम मानते हैं कि उस व्यक्ति का लक को कमज़ोर कर देता है। वो कोई भी, अब लक से संबंधित क्या होता है, एक तो फैमिली लाइफ होती है, दूसरी चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, दोनों को इफेक्ट करता है। यहाँ पर शनि हो, राहु हो, केतु हो, वो मोर डेंजर हो जाते हैं, बहुत डेंजरस ग्रह है यहाँ पर। यहाँ पर जो है सॉफ्ट ग्रह ज़्यादा फलदायी होते हैं, जैसे सूर्य होता है, जैसे गुरु होता है, शुक्र होता है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा लाभदायक होता है। ये भविष्य पुराण और भृगु संहिता और सारी किताबों के अंदर लिखा है। यहाँ पर जो है शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह कमज़ोर होते हैं, तो इसका आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस भाग्य भाव को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है कि कुंडली के अनुसार आपकी जो रत्न है, आपका मूंगा और पुखराज। मूंगा आपको 10 रत्ती का मूंगा ये फिंगर में पहननी है, इसको रिंग फिंगर कहा जाता है, और आपने पुखराज इस फिंगर में पहनना है, और वो 8.25 रत्ती का पुखराज होना चाहिए। अष्ट धातु में ही पहने, कृपया करके उसको सोने और चांदी में पहन के उस रत्न की एनर्जी को ख़राब ना करें। एनर्जीवान रत्न जब भी काम करते हैं जब उसको अष्ट धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जिंक, जस्ता, ये सब धातुएँ जब निकलती है, क्योंकि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, और पंच तत्वों से ही जो हमारे अष्ट तत्व हैं उससे अगर हम निर्माण करते हैं अंगूठी का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आप करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करें।